नमस्ते, हरिओम। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज पूरी दुनिया योग कर रही है, लेकिन बाल भारती ने मोक्षायतन योग संस्थान के साथ मिलकर के ये कार्य काफ़ी दिनों से शुरू कर दिया और अब तक तो हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से योग अभ्यास कर रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है कि सिर्फ विद्यार्थियों को ही यानी स्टूडेंट्स को ही पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ साथ योग अभ्यास कर रहे हैं और उनको भी अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आज जब पूरा विश्व योग अभ्यास कर रहा है, होल वर्ल्ड इज़ प्रैक्टिसिंग योग, तो हम आपको कुछ ऐसे बहुत आसान से काम बताने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी दिमाग में आता ना, अरे योग करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, या योग के लिए तो अलग से समय निकालना पड़ेगा। पर आप जानते हैं, आप दैनिक दिनचर्या में चलते चलते योग भी कर सकते हैं। यानी प्रोविज़न तो ये है कि हमें अलग से समय निकालना चाहिए, मैट बिछा करके धरती पर बैठ करके प्रॉपरली योगाभ्यास करना चाहिए। पर अगर आपका जीवन इतना व्यस्तताओं से भरा हुआ है कि आप अलग से समय नहीं निकाल पा रहे, तब भी आप स्वस्थ रहने के लिए बहुत आसान से कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि Unfortunately, yoga is misunderstood as a mere set of physical exercises. On the contrary, it is a science that touches all the levels of human life. Whether we talk about physical level, mental level, social level, emotional level, intellectual level, financial level, and even spiritual level, yoga हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है और ये तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति करता है, जिससे कि हम पाते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य। आज मैं योग दिवस पर विशेष, क्योंकि आसन, प्राणायाम, मुद्रा तो आप इतने दिन से सीख ही रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे हमारे साथ, पर योग दिवस विशेष बात यह है कि आज कुछ ऐसे डे टू डे टिप्स लेते जाइए जो आपको एवरीडे लाइफ में हेल्पफुल होंगे। पहला काम, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, यानी जब पॉप हटने लगती है तब तक आप बिस्तर से बाहर आ जाने चाहिए, पर हम उस वक्त पड़े सोते रहते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पुअर होने लगती है। जिससे कि अब तो पूछते भी हैं हमारे बहुत सारे साधक, आचार्य जी दोपहर को योग अभ्यास कर सकते हैं? देखो भाई, अगर योगाभ्यास कर रहे हो प्रातःकाल उठ करके करो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, बट अगर प्रातःकाल उठ ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि योगाभ्यास का भी लाभ नहीं लोगे। बट पहला नियम, प्रयास करें कि हम प्रातःकाल उठें, और दूसरा नियम, उठते के साथ वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ टॉक थेरेपी। क्या है सेल्फ टॉक थेरेपी? भारत योग की सेल्फ टॉक थेरेपी एक ऐसा तरीका है जो आपके जीवन की मैक्सिमम फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। क्या, समझिए इसे। जब आप सुबह सोकर के उठते हैं, आपका मन बिल्कुल उस ब्लैंक पेपर की तरह होता है जिस पर जो भी लिखा जाएगा वो पूरा दिन रहता है। अब आप उठते के साथ मोबाइल फ़ोन उठा लें और सोशल मीडिया पे मेरे कॉन्टेम्प्रेरीज क्या कर रहे हैं, या न्यूज़ देख लें, या दीन दुनिया में क्या हो रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न में देख रहे हैं, कुछ भी गलत चीज़ें जब सुबह सुबह लिखी जाएंगी ना उस कागज़ पर, तो वो पूरा दिन रहेंगी और इसी वजह से हमारा पूरा दिन चिड़चिड़ा जाता है, बेकार जाता है। तो आपको क्या करना है, उठते के साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से, सबसे प्यारे इंसान से मिलना है, जो कि हैं आप खुद। तो सेल्फ टॉक थेरेपी को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरह से बैठ करके आंखें बंद करके अपने भीतर जा करके, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर के अपने ही आप से आई टू आई कॉन्टैक्ट करके। तो इस तरह से बैठना या शीशे में अपने आप को देखना, गहरा सांस लेना, एक्सहेल, फिर से सांस लेना, एक्सहेल, हल्की सी मुस्कुराहट, इस सांस के लिए परमात्मा को धन्यवाद। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए, इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए। अब अपने आप से कुछ लाइंस रिपीट करनी है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस डे। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। 5 बार अपने आप से कहिए। सेकंड, मैं परम पिता की संतान हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आई एम चाइल्ड ऑफ सुप्रीम फादर, परम पिता परमेश्वर, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, ऑल गुड इज गोइंग टू हैपन विद मी, ऑल गुड इज गोइंग टू हैपन विद मी, ऑल गुड इज गोइंग टू हैपन विद मी। टेल दिस टू योरसेल्फ 5 times। फिर, मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, शक्तिमान हूँ, विद्वान हूँ। आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ब्लेस्ड,
इट इज सो सो गुड, एवरीथिंग इज सो गुड अराउंड मी. आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज गुड अराउंड मी. आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज गुड अराउंड मी. टेल दिस टू योर सेल्फ 5 times एंड देन वट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर लाइफ. गुस्सा बहुत आता है, अपने आप को बताइए आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा 5 times. खुश नहीं रह पाते हैं, आज मैं पूरा दिन खुश रहूँगा, आज मैं पूरा दिन खुश रहूँगा 5 times. या फिर वज़न बहुत बढ़ रहा है और खाने को देख करके नियत फिसल जाती है, आज मैं बहुत संतुलित खाऊँगा, आज मैं बहुत संतुलित खाऊँगा. जो भी बदलाव आप जीवन में लाना चाहते हैं 5 बार अपने आप से रिपीट कीजिए और फिर times pranavochara. Okay, so first thing, wake up early in the morning. Second, always begin your day with self-talk therapy of Bharat Yoga. Third, spend at least 20 minutes in sunlight. So when I say 20 minutes in sunlight, sunlight is not only about vitamin D, of course that's one of the most important part of sunlight, but sunlight is life. डिप्रेशन हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, हड्डियों में दर्द होने लगना, जॉइंट्स में पेन होने लगना. हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं स्कूल के, तो थके थके रहते हैं, लेजी रहते हैं, कमर ऐसे झुका करके रहते हैं. 20 minutes ऑफ सनलाइट पूरी फैमिली को एक साथ लेनी चाहिए. कैसे? या तो बेयर बॉडी, ठीक है, या फिर सन कलर्स के कपड़े जैसे हमने पहने हैं, येलो, ऑरेंज, वाइट. और कोशिश करें कि आपकी नाभि वाला स्थान सन की लाइट में रहे. नहीं है तो पूरा भी पहन लें इन कलर्स का. और 20 मिनट सनलाइट में रहें. क्या करें 20 मिनट्स? बेहतर हो अगर आप हरी हरी घास पे चलें, ऊपर से सनलाइट पड़ रही हो, साथ में गहरा सांस लेते रहें, 4-5 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लीजिए और थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए. आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. आप कहेंगे कि वाह आचार्य जी, आपने तो हमें जीवन में खुश रहने का मंत्र दे दिया. ये आप करिए. तो ये हुआ तीसरा काम. पहला काम क्या था? ब्रह्म मुहूर्त में जागरण. दूसरा काम सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ भारत योग. तीसरा काम 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट. चौथा काम बहुत महत्वपूर्ण है. दिन में 5 बार हमें अट्टहास करना है, विच इज योगा लाफ. सो नाउडेज वी आर बिकमिंग सो स्ट्रेस्ड. क्यों? क्योंकि हमने हंसना छोड़ दिया है. कैसे करेंगे अट्टहास? खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, हाथों को फैलाएंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे, 1-2 30 seconds एंड देन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, क्लोज योर आईज एंड लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू. हमने क्यों कहा लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू? बिकॉज वट एवर यू गिव टू दिस वर्ल्ड सेम कम्स बैक टू यू, बिकॉज लाइफ इज अ साइकिल नॉट अ लाइन. आप जो देते हो वो लौट करके आता है. आप स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेस लौट के आएगा. आप टेंशन दोगे, टेंशन लौट करके आएगी. आप हेट्रेड दोगे, हेट्रेड लौट करके आएगी. आप प्रेम दोगे, यू गिव लव यू गेट इट बैक, यू गिव पीस यू गेट इट बैक, यू गिव लाफ्टर यू गेट इट बैक. ये हुई हमारी 4 चीज़ें. 5वीं चीज़ है बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ब्रेथ अवेयरनेस. अच्छा, जो अट्टहास किया हमने, ये दिन में एनी टाइम ऑफ द डे 5 times कर सकते हैं, एवरी टाइम 30 seconds. 5th एंड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमको क्या करना है? ब्रेथ अवेयरनेस. सी वी ऑल आर ब्रीदिंग, सब सांस ले रहे हैं लेकिन याद ही नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना. तो जब भी समय मिले क्या करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड अपने, हियर इज योर नेवल, अपनी नाभि पर, राइट हैंड ऑन योर चेस्ट. अच्छा, अगर घर पर हैं तो आप इस तरह से लेट करके कर सकते हैं. अगर आप लेट के करोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी स्पाइन भी रिलैक्स हो जाएगी, आपको सडन इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलेगा. तो लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल, ऑन योर एब्डोमेन एंड राइट ऑन योर चेस्ट एंड देन 3 or 5 times यू डू एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड 3 to 5 times यू डू चेस्ट ब्रीदिंग. सो when you inhale expand your stomach, when you exhale abdomen ka pura contraction. aisa 3 times. theek, now chest breathing.
When you inhale, full expansion of your chest. Exhale. Inhale. Exhale. Do it 3 to 5 times. और फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. ठीक है ना? ये बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, लेट करके भी कर सकते हो. और फिर करवट लेकर के धीरे से बैठ जाएंगे. ये तो हुए 5 नियम. छठा नियम जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आप हमेशा एक नियम याद रखिए, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन वैसा होए जीवन. हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, हम अगर हिंसा से बना हुआ भोजन, किसी के एक्सट्रीम फियर उस भोजन में है, किसी के दुख पीड़ा उस भोजन में है, हेट्रेड उस भोजन में है, तो वही सब हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है. तो हमें क्या खाना है जो प्रेम से आए, जो लव के साथ आया, जो पीस के साथ आया, जो मिट्टी में उगा है, जो सनलाइट के नीचे उगा है, जो हवा में उगा है और वहाँ से हमारी प्लेट में आ रहा है. सो मेक श्योर आप सात्विक आहार लें, पानी खूब पिए और रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें. तो पूरे 8 नियम हमने आज आपको बता दिए हैं कि हमें ये 8 नियम अपनाने हैं. ज़रा समझिए योग निद्रा कैसे करनी है. हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बहुत प्रचलित यूट्यूब पर है, आचार्य प्रतिष्ठा योग निद्रा या भारत योगा योग निद्रा. आप बस सोने से पहले अपने कान में उसको लगाइए और लेट जाइए. Just follow the instructions. Very easy but very very effective. So ये 8 rules का एक road map हमने आपको दे दिया. पहला, let's do a quick wrap recap before we wind up today's session. First, wake up in the morning. ब्रह्म मुहूर्त में जागरण हमें करना है. दूसरा, उठते के साथ self talk therapy करनी है भारत योग की. तीसरा, हमें sunlight में 20 minutes spend करने हैं. चौथा, हमें अट्टाहास योगा ला 5 times a day 30 seconds ईच करना है. पांचवा, ब्रेथ अवेयरनेस जब भी समय मिले ब्रेथ अवेयरनेस करना है. छठा, हमें सात्विक आहार लेना है यानी हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है. आठवा, भरपूर मात्रा में पानी पीना है. पानी, वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. और सबसे सबसे महत्वपूर्ण कि सोने से पहले हमें योग निद्रा का अभ्यास करना है. आप इन सब क्रियाओं को अपनाइए, इन सब नियमों को अपनाइए. योग दिवस को सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं बनाएंगे हम, जीवन भर का सेलिब्रेशन बना देंगे. बाल भारती और मोक्षायतन मिल करके आपके लिए ये ट्रेजर ऑफ नॉलेज लेकर के आ रहे हैं. और आज का एपिसोड पेरेंट्स और बच्चों, विद्यार्थियों और पेरेंट्स दोनों के लिए था. तो आप सभी लोग, लेट्स मेक अ हेल्दी फैमिली सो दैट वी टुगेदर मेक अ हेल्दी सोसाइटी एंड वी टुगेदर मेक अ हेल्दी एंड हैप्पी वर्ल्ड. आप सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद. खुश रहें, आनंदित रहें.